उपस्थित सभी इस रिफंड प्रक्रिया से जुड़े हुए अलग अलग भारत सरकार की संस्थाओं के अधिकारीगण और जिन्होंने मेरे साथ रहकर इसकी शुरू से चिंता की है, ऐसे मेरे साथी श्रीमान वर्मा जी और आज इस प्रक्रिया से जुड़े हुए सहारा के लाखों लाखों निवेशकों को मैं बहुत हृदय से बधाई देना चाहता हूं। सहकारिता आंदोलन को अगर मजबूत बनाना है तो सहकारिता आंदोलन में विश्वास भी मजबूत बनाना पड़ेगा। कई बार कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, कुछ गलत आशय के उद्देश्य के लोगों के हाथ में भी कुछ चीजें पड़ जाती हैं और इसके माध्यम से इस प्रकार का माहौल खड़ा होता है जो विश्वास को हिला देता है। परंतु शासन की जिम्मेदारी है कि कानून बनाने के जो अधिकार, एडमिनिस्ट्रेशन के जो अधिकार संविधान ने सरकार को दिए है, इसका उपयोग करते हुए देश के हर नागरिक की जमा पूंजी को सुरक्षित करना और उसको वापस लौटना। जब सहकारिता मंत्रालय का गठन हुआ तब सहकारिता मंत्रालय के सामने ढेर सारे चैलेंजेस थे, बिल्कुल हिल कर रह गया हुआ सरकार सहकारिता के ढांचे को फिर से मजबूत करना, पैक्स से लेकर एपेक्स तक, कृषि से लेकर मछुआरा समिति से लेकर कंस्ट्रक्शन से लेकर मार्केटिंग तक की सभी सहकारिता संस्थाओं के लिए एक अनुकूल खाका तैयार करना, समय अनुकूल खाका तैयार करना, सहकारिता के कानूनों में जो लगभग लगभग 75 साल पहले बने हैं समय अनुकूल परिवर्तन करना और उसके साथ साथ सहकारिता में खोए हुए विश्वास को जनता में पुनः प्रस्तावित करना। और अगर ये करना है तो जैसे सहारा की चार सोसाइटियों में लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताजा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।